नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8, 9 और 10 जून के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अश्व में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं अश्व में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं दोस्तों, इसे करके आप इन तीन दिनों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 8 जुलाई की बात करें तो गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके उपरांत दिन मृगशीर्षा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, योग की बात करें तो वृद्धि नामक योग के साथ ही ध्रुव नाम का योग रहेगा। राहु काल का समय दिन दोपहर के 2:12 से लेकर शाम के 3:52 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार करेंगे। और दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो शुक्रवार का दिन होगा अमावस्या तिथि और दिन पुनर्वसु नक्षत्र के साथ ही ध्रुव नाम का दुर्लभ संयोग रहेगा। जी दोस्तों, राहु काल के समय दिन सुबह के 10:51 से लेकर दोपहर के 12:32 रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेंगे। वह दोस्तों, आखिरी दिन 10 जुलाई की बात करें तो शनिवार का दिन होगा और इस दिन दोस्तों कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, पुनर्वसु नाम का नक्षत्र इस दिन में रहेंगे। हर्षण नाम का बड़े दुर्लभ संयोग आखिरी दिन में बनेंगे जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए लाभकारी होंगे। राहु काल का समय दिन सुबह के 9:12 से लेकर सुबह के 10:52 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मिथुन राशि को प्रांत कर्क राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में पिता और राजपक्ष से लाभ का फरवर योग है, खोई हुई प्रतिष्ठा और पद पुनः प्राप्त होगा। दोस्तों, लिए हुए निर्णय सही होंगे, जमीन जायदाद के मामलों में यह समय सफलता मिलेगी, नए घर नए वाहन की इच्छा यह समय आपकी पूरी होगी, पराक्रम खूब रहेगा, पराक्रम में यश में वृद्धि भी होगी, घर में कोई शुभ कार्य प्रारंभ भी हो सकता है। दोस्तों, नेगेटिव की बात करें तो यह पूरे समय केतु की स्थिति से बुद्धि, दाम्पत्य जीवन, कार्य परिवार, साझेदार आय सब कुछ प्रभावित रहेगा, तर्क शक्ति नकारात्मक स्तर तक जा सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को विशेष ख्याल रखने की यह समय आवश्यकता होगी। दोस्तों, कई बार अकेलेपन का आपको यह समय एहसास भी होगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए कई तरह के संसाधनों की उपलब्धता दिलाने वाला समय होगा। कुछ समस्याएं जो आपके लिए लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, परेशानी का कारण बनी हुई थी, उसमें दोस्तों कुछ जो समाधान आपको यह समय मिल सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। दोस्तों, आपको अपने विचारों को कर्मों में तब्दील करना होगा, यह समय तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों आप अपनी बातों से या बोलने के तरीकों से किसी को आहत न करें। वह दोस्तों, यह समय आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट यह समय मिलने के आसार बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें नए शोधों की यह समय प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन दिनों में आप जो है जो जातक मीडिया, मनोरंजन, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं उनको जोरदार सफलता मिलने की यश में संभावना दिख रही है। दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो कोई मूवी देखेंगे और दोस्तों अनेक बातें होंगी जो आपके प्यार को यश में बढ़ाएगा। दोस्तों, आपका प्रिय आपके इस रोमांटिक अंदाज से खुश हो जाएगा और वह भी आप पर भी जी भर के प्यार लुटाएगा। दोस्तों, यश में आपको अपने परेशानियों को परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपके बीच कोई परेशानी होती है तो आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपके दिल को संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग यश में मिलने वाला है। दोस्तों, यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको यश में सेहत का पूरा साथ मिलेगा, अपनी पूरी ऊर्जा को आप अपने काम में लगा सकेंगे। वहीं दोस्तों, यश में आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत भी होगी क्योंकि दोस्तों रोग स्थान में सूर्य और शनि युति में होंगे।
दोस्तों यशमी गणेश जी कहते हैं कि आपको भाग्य पर अवलंबित रहना पड़ेगा, जबकि ऐसा करने से आपको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। आपके प्रयास गलत दिशा में होने की यशमी संभावना भी बनेगी और दोस्तों आप अधिक गलत कर रहे हैं इसका आपको यशमी एहसास भी होगा। आपको जो एकाकीपन का एहसास यशमी रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों आप अपने विचारों को बिना किसी खोजबीन और अच्छी तरह से नियोजित किए हुए साझा करेंगे। इसलिए दोस्तों यश में अपने विचारों को वरिष्ठ अधिकारियों को पेश करने से पहले सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। गणेश जी कहते हैं कि सावधानी पूर्वक लिया गया निर्णय आपको अपने जो है सुपरवाइजर्स के सामने सुरक्षित रखेगा। यश में आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो आपका फिर आप पर तभी भरोसा करेगा जब आप अपने दिल की उस बात को उससे साझा करेंगे। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने से जीवन का जो है सही तौर पर आप आनंद उठा सकेंगे। यश में आपका प्रेमी जीवन और प्रेम को लेकर आपकी जो राय है वह जानने के इच्छुक रहेंगे। आपको ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो आपके साथी के दिल को छू जाए। वह दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो वित्तीय मामलों में आप यश में दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप लंबे समय वाली वित्त योजना बना रहे होंगे। आप आर्थिक दृष्टि से स्थिरता और सुरक्षा कायम करने के लिए यश में प्रयत्नशील भी रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में मूड स्विंग आपके काम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी कर सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का आप यश में प्रयास करें और तैयार हो जाएं। दोस्तों बुरी आदतों को छोड़ने के लिए यह सही समय होगा। दोस्तों यश में दिमाग को ठंडा रखने और अपना ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए ध्यान करें, गणेश जी का सलाह है। दोस्तों यश में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत भी खराब कर सकता है। जो है पुरानी बातें उसे आप न उलझें। यश में जितना हो सके आराम करने की आप कोशिश करें। आर्थिक दृष्टि से यश में आपके लिए मिला जुला रहेगा। दोस्तों आप जो है धन लाभ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। घरेलू काम आपको यश में थका भी सकता है, इसलिए आप मानसिक तनाव भी यश में महसूस करेंगे। दोस्तों आप यश में सावधानी से कार्य करें, क्योंकि प्यार में पड़ना यश में आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकती है। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। दोस्तों यश में कोई आध्यात्मिक गुरु या फिर बड़ा आपकी जो सहायता कर सकता है। मुमकिन है कि महरी या फिर काम वाली बाई की तरफ से कोई परेशानी खड़ी हो, जिससे आपके व आपके जीवनसाथी को तनाव भी संभव है। दोस्तों यश में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए आप घर का जो है मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान साफ कर दें। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो दोस्तों यश में आप सफ़ेद रुमाल लें, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का फत्ता, थोड़े से चावल गुड़ ले लें। मंदिर में जाकर रुमाल को रख कर इन सभी चीज़ों को हाथ में ले लें और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। इनको इकट्ठा करके कहें, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए तथा मेरा कर्जा उतर जाए। फिर इन सब को ले जाकर बहते जल में प्रवाह कर दें। यह प्रतिक्रिया सोमवार को करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इसे जो है विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति के सामने किया जाए तो दोस्तों और भी अच्छा होता है। तो दोस्तों इसे आप कम से कम 7 सोमवार जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। और साथ दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।